हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि CUCET यूनिवर्सिटी की फ़ोटो रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट खोलनी होगी CUCET, वो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ उस पे जाएं। सो यहाँ पे देखिए कि ये पहली वाली जो ऑप्शन है इस पे जाएं। सो नेक्स्ट आपको क्या करना होगा कि आप अप्लाई करने वाले हैं, सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाके तो मैं आपको ये थोड़ा मोबाइल पोर्टेबल कर देता हूँ। मोबाइल पोर्टेबल करने के बाद देखिए ऐसा आएगा, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र मोबाइल के हैं, सो मैं मोबाइल इस बार मोबाइल व्यू से बना रहा हूँ। ये PC में है तो आपके साथ सब सेम रहेगा। तो ये क्लिक, आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करें। तो उसके बाद देखिए आपका कौन सा, मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और कैंडिडेट नेम अप्लाई करें तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। मैं अपने नाम डाल के, ईमेल मेरा ये है, ईमेल डाल दिया, कंफर्म ईमेल डाल दिया, नंबर मैंने डाल दिया एंड ये मेरा नंबर है। डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया अपना। तो फिर वेरिफिकेशन कोड ये क्या है, वेरिफिकेशन YKDISG, तो ये डालने के बाद मैं सेव टू प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ क्लिक करना होगा। सेवन प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन आ गया है। तो ये फोटो, ज़्यादातर प्रॉब्लम फोटो एंड सिग्नेचर पे, तो मैं वहाँ तक ले जाऊँगा, फिर बाद में सब प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो मैं क्विक फॉरवर्ड करता हूँ कि ये सब मेल भर के फिर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो ये भी काफ़ी इजी है, इतना टफ नहीं है। आधार कार्ड नंबर दीजिए जो मेरे साथ नहीं है, और मैं इंडियन हूँ, और मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, मैं जनरल का हूँ। सो नेक्स्ट क्या करना होगा आपको, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नो मैं डिजेबल नहीं हूँ, सो डिजेबिलिटी मेरे करियर उसमें नहीं आता है। तो एम्प्लॉय स्टेटस आपको डालना होगा। एम्प्लॉय स्टेटस अनएम्प्लॉयड देता हूँ मैं। स्टेट हो गया मेरा आसाम, और रिलीजन हो गया मैं हिंदू, और कश्मीर माइग्रेट में मैं नो करूँगा। बॉर्डर नो करने वाला हूँ इस पर भी। स्पोर्ट कोटा, यदि आप किसी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं तो स्पोर्ट कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। सो क्विक फॉरवर्ड कर देता हूँ ये सब, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम से आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही बोलना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर कीजिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी आपकी सपोर्ट से हम और वीडियो बनाते हैं। ये सब डिटेल भरने के बाद आप सेव टू प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट तो सेव टू प्रोसीड करने से देखिए यहाँ पे एकेडमिक डिटेल पूछ रहा है। सो मैं अपनी एकेडमिक डिटेल डालने वाला हूँ। तो मैट्रिकुलेशन पे अपना कितना था वो सब डाल दीजिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको किस में प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में मैंने मैट्रिकुलेशन के सब सब्जेक्ट मेंशन कर दिए हैं। सो आप भी वो कर सकते हैं। तो ये सब होने के बाद क्या कीजिए कि आप सेव टू प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट तो उसके बाद देखिए फोटो एंड सिग्नेचर है। सो फोटो एंड सिग्नेचर देखिए यहाँ पे लिखा है 20 KB 250 KB टाइप ऑफ इमेज PG है कि नहीं। देखिए ये फोटो मैंने अपलोड कर लिया है। सो इसे अपलोड करने के लिए आपको कैसे एडिट करना होगा वो प्रोसेस मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। तो ये दूसरी वेबसाइट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फ्री ऑनलाइन इमेज एडिटर नाम की। तो आपको URL पे लिखना है online-image-editor.com, ठीक है। तो अपलोड एन इमेज, मैं इमेज को अपलोड करने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये तो मेरा कंप्यूटर पे खुल रहा है कि क्यों कौन सी इमेज लेनी है। सो मैं ये इमेज को चूज कर लेता हूँ, और फिर कॉपी सेव मतलब उसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ का पैनल चेंज होने वाला है। देखिए ये पैनल आ रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो देखिए आप भी जूम इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पर रिसाइज लिखा है, तो रिसाइज लिखा है तो पहले आप इमेज को थोड़ा छोटा कर लीजिए। ये छोटा करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके 300 देता हूँ, ठीक है। 300 जो पहले था उसे 300 देखे मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद देखिए ये आ गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपकी जितनी साइज, आपको वो 300 को कम कम करा के लाना है। तो देखिए अभी 300x300 में मेरा आ रहा है 30.54 KB, जो हमें चाहिए था 20 से 50 के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, सेव कर देना है। इमेज सेव्ड आ रहा है, ठीक है।
तो ये हमें ले जाएगा कहाँ पे हमने सेव किया था, तो आपका डेफिनेटली गैलरी पे आएगा। तो मैं इसे यहाँ पर देखिए, वो फाइनल एक बार कॉन्फर्मेशन पूछता है, तो मैं ओके कर देता हूँ इसको। अरे डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पे OIE बोल के सेव हुआ है। तो ठीक है, ये OIE सेव हुआ है, तो मैं अभी उसको इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ ये होता है कि नहीं। तो अब मैं इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, चूज एनिमल्स कर रहा हूँ, OIE डेस्कटॉप पे था मेरा OIE। ये देखिए OIE 30 KB का, इसे मैंने चूज किया कर लिया, और मैं अब ओपन करता हूँ। तो देखिए ये OIE, ठीक है, इसे अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखिए अपलोड हो गया OIE, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करता हूँ कि मेरे साथ सिग्नेचर ऑलरेडी है, तो सिग्नेचर यदि आपके साथ नहीं है तो आप यही प्रोसेस से कंप्लीट कर सकते हो, जो मैं ये दोनों वेबसाइट के लिंक, वेबसाइट की और इमेज एडिटर की लिंक मैं देने वाला हूँ, आपको दे दूँगा उस वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट क्या करना है कि मैं तो अपनी डिटेल्स पर्सनल पे रखता हूँ, स्टडीज पे है, तो नेक्स्ट मैं अपनी सिग्नेचर ले लूँगा। अभी सिग्नेचर भी शायद मेरा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, देखता हूँ क्या होता है, अपलोड करता हूँ सर। देखिए ये यहाँ पे मैसेज आया है कि 10 KB से 50 KB के बीच में होना है, सो मेरा 10 KB नहीं था। सो वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस आप कीजिए। फिर मैं ओके करता हूँ, फिर ये इमेज डाल के, फिर एग्जामिनेशन सेंटर जो आप 3 प्रेफरेंसेस होंगे शायद यहाँ पे एक ही दिया होगा, हाँ 3 ही 2 प्रेफरेंसेस है, उसके बाद सेव टू प्रोसीड कीजिए। यदि नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो फिर एक बार बोलना चाहूँगा, ऐसे ही अपडेट देखते रहने के लिए आप लोग, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रही है, सो मैंने ये कर दिया था। यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में मैंने किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो वो भी बोलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर कीजिएगा, मत भूलिएगा।